चलिए गाइस, अब बात करते हैं हम अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिग्री के बारे में। डिग्री का जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेंस में, प्री में, इंटरव्यू में, हर जगह पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पहले डिग्री की डेफिनेशन को हम एनालिस करते हैं। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ डिग्री, डिफाइंड डिग्री, ये दो क्वेश्चन तो आपको बनने ही बनने हैं। फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिग्री, व्हाट इज इंक्लूडेड इन डिग्री, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन डिग्री। ठीक है, ये चीज़ें आपको आएंगी। तो डिग्री का मतलब देखो क्या है। डिग्री मतलब फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। अब एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है, पहले आपको मैं ये बताता हूँ। देखो, एडजुडिकेशन का मतलब होता है कि जब अपना एक जज जुडिशियल माइंड जो है लगा कर कोई एक डिसीजन देता है ना, केस के ऊपर डिसीजन देता है, उसे कहते हैं एडजुडिकेशन करना। जुडिशियल माइंड लगाकर कभी कोई डिसीजन दी जाती है तो उसे कहते हैं एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन में हमेशा जुडिशियल डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जुडिशियल डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर वो डिटर्मिनेशन एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है, जिसके अंदर जज ने अपना जुडिशियल माइंड नहीं लगाया, तो वो एडजुडिकेशन डिक्री नहीं मानी जाएगी। अब वो एडजुडिकेशन जो है वो तो हमारा जुडिशियल माइंड तो जजमेंट में भी दिया जा रहा है, लेकिन डिक्री में ऐसा क्या खास है। डिक्री में खास है फॉर्मल एक्सप्रेशन। जजमेंट में हमने पढ़ा था स्टेटमेंट्स ऑफ अ जजेस जो इनफॉर्मल नेचर की हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट होता है। तो डिक्री के एक कंटेंट्स होते हैं, वो कंटेंट्स के हिसाब से डिक्री लाई जाती है। अब कंटेंट्स में क्या क्या आता है वो हमारा ऑर्डर नंबर 20 बताता है, ठीक है। और साथ साथ एक अपेंडिक्स डी है इसका, अपेंडिक्स डी के अंदर आपको पूरा फॉर्मेट देखेगा कि अच्छा ऐसे डिक्री बनाई जाती है। तो वो फॉर्मेट, वो रिक्वायरमेंट्स पूरी तरीके से होनी चाहिए जब भी वो डिक्री होगा। तो वो एडजुडिकेशन जो है वो फॉर्मली आपका एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। अब क्या एडजुडिकेट करोगे आप, क्या मैटर को एडजुडिकेट करोगे, तो जो कोर्ट जो है जब वो एक्सप्रेस कर रहा होगा तो एडजुडिकेशन में आप पार्टीज की राइट्स को एडजुडिकेट करोगे, और कैसे एडजुडिकेट करोगे कि आगे उनको दोबारा इसके ऊपर कोई केस करने की जरूरत ना पड़े। कंक्लूसिवली डिटरमाइन करोगे पार्टीज की राइट्स को, ठीक है। अब राइट्स यहाँ पे दो तरीके की होती हैं, राइट्स एक सब्सटेंटिव नेचर की होती हैं, एक प्रोसीजरल नेचर की होती हैं और एक जर्नल नेचर की होती हैं। जो जर्नल नेचर की हैं, जो सब्सटेंटिव नेचर की हैं, वो ही राइट्स यहाँ कवर्ड होती हैं, प्रोसीजरल राइट्स यहाँ पे कवर्ड नहीं होती हैं। और जनरल राइट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे लिमिटेशन है कि नहीं है, जुरिडिक्शन है कि नहीं है, ठीक है, कोई बार वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं जनरल नेचर की हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम पता क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रेलिमिनरी मैटर्स जो होते हैं, यानी कि केस शुरू होने से पहले पहले जो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सारी, इनके ऊपर भी एडजुडिकेशन जो है वो डिग्री कर देती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, क्वेश्चन आया लिमिटेशन का जो क्वेश्चन होता है वो मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट होता है। मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट कभी भी प्रिलिमिनरी मैटर नहीं होता। तो आपको बोलें कि लिमिटेशन का जो क्वेश्चन है वो राइट्स को डिटरमाइन, मतलब जो यहाँ पे जो लिखा हुआ राइट्स ऑफ द पार्टीज, उसके अंदर आएगा, हाँ आएगा, लेकिन क्या वो प्रिलिमिनरी मैटर है, नहीं वो प्रिलिमिनरी मैटर नहीं है, क्योंकि प्रिलिमिनरी मैटर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ ही आते हैं। अगर लिमिटेशन लॉ जो है वो मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, इसीलिए प्रेलिमिनरी मैटर्स के अंदर लिमिटेशन के क्वेश्चन नहीं आते। देखो, आपको प्रेलिमिनरी मैटर बता दूं दोबारा, ये ट्रायल होता है, ट्रायल से पहले प्री ट्रायल होता है। तो प्री ट्रायल की स्टेज पे जो क्वेश्चन, जो पहले पहले इशू फ्रेमिंग उनसे पहले के होते हैं, उन्हें हम प्रेलिमिनरी मैटर्स कहते हैं। क्लियर हो गया, ओके, चलें आगे। चलो बढ़ते हैं। देखो, अब यहाँ पर क्या है, राइट्स ऑफ द पार्टीज को कंक्लूसिवली डिटरमाइन करा गया है। अब जो मैटर्स होंगे वो सारे के सारे हो जाएंगे या कुछ मैटर्स पे हो जाएंगे, तो कुछ मैटर्स के ऊपर भी हमारी एडजुडिकेशन हो सकती है, सारे के सारे मैटर्स पर भी एडजुडिकेशन हो सकती है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इन दी कॉन्ट्रोवर्सी, मैटर जो होने चाहिए वो कॉन्ट्रोवर्सी में होने चाहिए, सिर्फ उन्हीं के ऊपर डिक्री आएगी और उस किसी पे डिक्री नहीं आएगी। तो अगर कोई पुराने केस का कोई मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी था उसके ऊपर डिक्री नहीं आएगी, इस केस में जो मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी है इसी के ऊपर डिक्री आती है। अब मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है कि अगर एक पार्टी अलेज कर रही है एक फैक्ट को और दूसरी पार्टी उसको डिनाइड कर रही है, तो अलेज और डिनाई करने से डिस्प्यूट अराइज हुआ, इसे कहते हैं मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी। द मैटर मस्ट बी इन कॉन्ट्रोवर्सी। हालांकि कुछ क्या होता है, कब, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अलेज कर रहे हो और सामने वाला एडमिट कर रहा है, अगर उसने एडमिट कर लिया
तो एडमिशन भी एक डिक्री आती है, क्योंकि एडमिशन से पहले तो वो कंट्रोवर्सी में था ना, अब उसने एडमिट कर लिया बात को, तो जो मैटर इन कंट्रोवर्सी पहले तो था कम से कम, उसके बाद उसको एडमिट कर लिया गया, ठीक है। तो एडमिशन के ऊपर हमने एविडेंस नहीं लाने पड़े, लेकिन वो कंट्रोवर्सी में तो था, ओके। तो इसीलिए एडमिशन्स के ऊपर भी डिक्री आती है, और अगर आपने एडमिट ना भी करा हो तो उस पर भी डिक्री आती है। अगर आपने एडमिट कर लिया है, ठीक है, या आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, ठीक है, तो वो उसे हम कहते हैं कंसेंट डिक्री, ठीक है। लेकिन अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा और पूरा प्रॉपर एविडेंस वेविडेंस लाकर डिसीजन आया, इसे कहते हैं कंटेस्टेड डिक्री। आपने कंटेस्ट करा और इसमें आपने हाँ कर दी कि ठीक है, मैं एडमिट करता हूँ और तुम भी एडमिट करो, हम दोनों सेटलमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह कर लेते हैं, तो वो कंसेंट डिक्री, ये है कंटेस्टेड डिक्री। क्लियर हो गया? ओके, अब राइट्स ऑफ द पार्टीज कंक्लूसिव डिटरमाइन हो गई हैं। मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी आपको समझ आ गया है, मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी आपको क्लियर हो गया है। अब आता है टाइप्स ऑफ डिक्री। दो तरीके की डिक्री है, मेनली प्रेलिमिनरी और फाइनल, लेकिन एक पार्शियल प्रेलिमिनरी और पार्शियल फाइनल भी होती है। इसका एक ही एग्जाम्पल है, इसका एक ही एग्जाम्पल है, वो है हमारा रिकवरी ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी प्लस मीन प्रॉफिट। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जहां पर हमारा पार्शियल प्रेलिमिनरी और पार्शियल फाइनल डिग्री दी जाती है, ठीक है, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लस मीन प्रॉफिट्स का। ओके, अब यहां तक तो आपको डिग्री की डेफिनेशन सारी समझ आ गई है। अब डिग्री के अंदर इन्होंने क्या माना है, लॉ कहता है कि इनको मान के ही चलना है, तुमको इनको मानकर ही चलना है, वो है हमारा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड सेक्शन 144 का क्वेश्चन, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट मतलब क्या होता है कि जब आप ऑर्डर 7 रूल 11 पढ़ते हो ना, तो कुछ सर्टेन केसेस हैं जहां पर आपका केस रिजेक्ट माना जाता है, आपका प्लेंट रिजेक्ट माना जाता है, तो लॉ उसको डीम्ड करके चल रहा है डिक्री। हालांकि वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट वो टेक्निकल एरर्स पे, उसमें कोई एजुडिकेशन नहीं हुआ, उसमें कोई कंक्लूसिव डिटरमाइन नहीं करेगी पार्टीज की राइट्स को, लेकिन फिर भी लॉ ने बोला कि मैं तो उसको डीम करके ही चलूंगा। डीम करके चलने की वजह से रिजेक्शन ऑफ प्लेंट आपका डिग्री माना गया, अदरवाइज वो डिग्री नहीं था। ओके, उसके बाद आता है आपका सेक्शन 144 का क्वेश्चन। सेक्शन 144 का क्वेश्चन आपको मैं जिस्ट बता देता हूँ अभी क्या होता है। फॉर एग्जांपल, ये एक प्लेंटिफ है, ये एक डिफेंडेंट है, ठीक है। डिफेंडेंट मान लो केस जीत गया और ये डिग्री होल्डर बन गया, ठीक है, ये डिग्री होल्डर बन गया। अब क्या हुआ कि प्लेंटिफ गया अपील में, अपील में जाने के बाद उसने देखा कि यार ये तो डिग्री मेरे फेवर में आनी चाहिए, तो डिफेंडेंट की जगह डिग्री इसके फेवर में आ गई, तो जो जो इसके हाथ से गया था, ठीक है, वो उसको रीस्टोर करवाएगा कोर्ट में जाकर। कौन से कोर्ट में जाके, जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी थी, उसको एप्लीकेशन देगा कि मैंने जो जो इसको दिया है प्लीज मुझे रीस्टोर करके दो उसको वापस, तो उसे कहते हैं एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। तो वो सेक्शन 144 में कवर्ड होती है, उसको भी हम डीम डिग्री मानते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, आगे बात करते हैं, क्या चीज डिक्री नहीं होगी। देखो, जो ऑर्डर्स होते हैं वो डिक्री नहीं होते, लेकिन जो अपीलेबल ऑर्डर होते हैं, अपील पे उसके ऊपर डिसीजन आ रही है, तो उनको भी इन्होंने बोला है कि ये डिक्री नहीं माने जाएंगे। अपीलेबल ऑर्डर्स भी डिक्री नहीं माने जाएंगे। शेल नॉट इंक्लूड का मतलब है कि जो अलग चीज़ें जो नहीं होती वो तो नहीं होती हैं, इनके साथ ये दोनों चीज़ें भी डिक्री नहीं मानी जाएंगी। इनके साथ, उनके साथ जो अलग अलग चीज़ें, जैसे एग्जांपल ऑर्डर्स डिक्री नहीं है तो वो तो जर्नली है, उनके साथ साथ जो अपीलेबल ऑर्डर्स हैं वो भी डिक्री नहीं माने जाएंगे। और साथ साथ अब आता है डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अब जो डिफॉल्ट नाम का जो शब्द है ना, वो या तो प्लेंटिव के साथ जुड़ा हुआ है, या एप्लीकेंट के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर हमारा एपिलेंट के साथ जुड़ा हुआ है। जो अपील फाइल कर रहा है एपिलेंट, जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है वो एप्लीकेंट, जो पेटिशन फाइल कर रहा है पेटिशनर, ठीक है, और जो प्लेंट फाइल कर रहा है प्लेंटिफ। इन सारे लोगों ने अगर डिफॉल्ट करा, मतलब वो नहीं आए हियरिंग पे, नहीं आए, तो उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट करने की वजह से उनका सूट जो है वो डिसमिस्ड हो गया, उनकी एप्लीकेशन वगैरह वगैरह डिसमिस्ड हो गई, तो वो ऑर्डर फॉर डिसमिसल जो था वो डिक्री नहीं माना जाएगा। इट शैल नॉट इंक्लूड दीज टू थिंग्स, नंबर वन एन अपीलेबल ऑर्डर एडजुडिकेशन, नंबर टू एन ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। अब आ गया था एक्सप्लेनेशन। डिक्री जो है वो प्रिलिमिनरी कब होती है, जब आगे की प्रोसीडिंग्स अभी होना बाकी हो, और फाइनल कब होती है, जब कम्प्लीटली सूट डिस्पोज ऑफ हो गया है। अब एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं, प्रिलिमिनरी डिक्री जब भी होती है जहाँ पर आप सिर्फ पहले राइट्स को डिटरमाइन करते हो कि आपको ये राइट मिलेगी,
राइट्स को आप डिटरमाइन करते हो, और उसके बाद एक्चुअली आपको कितना मिलेगा, एक्चुअली आपको वो कैसे मिलेगा, वो उसके लिए आप वेट करते हो थोड़ा सा, ठीक है। तो वहाँ पर हम अलग से फाइनल डिग्री पास करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको बोल दिया कि आपको मेन प्रॉफिट्स मिलेंगे, या एग्जांपल आपको पार्टीशन होगा, 10% इसको मिलेगा, 10% इसको मिलेगा। अब 10% कैसे बटेगा, एक कमरा इधर जाएगा, एक कमरा उधर जाएगा, कैसे कैसे होगा, उसके ऊपर हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद फाइनल डिग्री आ जाएगी। जब फाइनल डिग्री आ जाएगी तब हमको शेयर एलोकेट हो जाएंगे। तो प्रिलिमिनरी डिग्री जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे कब होता है कि अभी आपने सर राइट डिटरमाइन करी है, राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, उसको एग्जैक्टली कितना कितना मिलना चाहिए, कितना प्रोपोर्शन में घर मिलना चाहिए, उसके ऊपर फाइनल डिग्री पास होती है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा टॉपिक था अभी डिग्री का। अब इसके बाद बात करते हैं हम अपना ऑर्डर नंबर 20 के बारे में।